हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि महासागरों की उत्पत्ति प्लेटों के विस्थापन के कारण, सॉरी, प्लेटों के विस्थापन से कितनी पुरानी है। ठीक, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसको आप ध्यान रखिएगा कि महासागरों की उत्पत्ति प्लेटों के विस्थापन की से या के कारण कितनी पुरानी है। तो यहाँ पे देखिए प्लेटों के विस्थापन से कितनी पुरानी, यहाँ पे 100 मिलियन वर्ष, 150 मिलियन वर्ष, 200 मिलियन वर्ष या 250 मिलियन वर्ष, ये आपका प्रश्न है। अब इसमें आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पे क्या है, 150 मिलियन वर्ष। सेकंड आते हैं। अब देखिए, अगर आप ये जो भी प्रश्न है यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, जो भी आपके है सब आपको, जो हमने वीडियो बनाया ओशियनोग्राफी का कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट करिए तो आसानी आपको होगी। या इसी तरह से चलते रहिए, आपको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल करते चलेंगे। नेक्स्ट आया जाए, महासागरीय कटकों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो ओशनिक रिज हैं वो कैसे बनते हैं। पहला है कि कन्वर्जेंस प्लेट मर्जिंग के कारण, या प्लेट बाउंड्री के कारण, या अपने यानी जब प्लेट एक दूसरे के समीप आए तब बनते हैं, जी नहीं। दूसरा है प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाने पर, यानी डाइवर्जेंस इफ़ प्लेट्स जो सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है। पर्वत निर्माण बलों के द्वारा, यानी ओरोग्राफिक मूवमेंट्स जो होती है, ओरोजेनिक मूवमेंट्स जो होती हैं, या फिर प्लेटों का जो अपरूपक विस्थापन होता है, यानी शेयरिंग मूवमेंट्स होती है जो। तो कटक कैसे बनेंगे, जैसे आप ओशनिक रिज जो मिड अटलांटिक ओशनिक रिज रहती है, ये दो प्लेटें हो गई। दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जो नीचे का मैग्मा है वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ये समुद्र में मान लीजिए हो रहा है, तो यहाँ पे समुद्र की वजह से यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा ऊपर जल की वजह से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कटक बन जाएगा। तो ये कौन सी प्लेट मार्जिन हुई, यानी कि आपका कौन सा प्लेट हुआ, इसमें प्लेटों का एक दूसरे की तरफ जाने से हुआ है। राइट आंसर इज डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स। सेकंड देखते हैं। थर्ड, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय सेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ का हिंदी क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा महासागर में है, आर्कटिक, अटलांटिक, या फिर हिंद, या फिर प्रशांत। सही उत्तर यहाँ पे आपको बताना है, 2 से 3 सेकंड का टाइम है। ठीक, आपको हम बताते चल रहे हैं। ये आपका तट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आइए, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, महाद्वीपीय मग्न तट हो गया। यहाँ पे नीचे आएंगे ये स्लोप हो जाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो गंभीर सागरी नितल या गंभीर सागरी उत्थान इस तरह से आपका मिलता है। ठीक, तो इसको भी वहाँ पे हमने डिफाइन किया प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से, सभी के बारे में वहाँ पे बताया है कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर में जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, गंभीर सागरी नितल होता है, सभी का वहाँ पे आपको विस्तार से बताया गया कि किसमें कितनी गहराई, कहाँ पर कितनी चौड़ाई। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ठीक, नेक्स्ट आया जाए, महासागरीय ट्रेंचों के बारे में, गर्तों के बारे में कौन सा सही है, ऐसा है। तो यहाँ पे पहला देखिए कि यह चापनुमा होता है, यानी आर्क शेप्ड होती हैं जो गर्त होती हैं, ये आपका आर्क शेप्ड होती हैं। ठीक, राइट है। इसका निचला तल समतल होता है, यानी जो बॉटम है इसका वो प्लेन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निष्क्रिय प्लेटों के छोर पर ये पाए जाते हैं, अगर प्लेटें निष्क्रिय हैं तो उसके छोर पर ये पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है पैसिव प्लेटों के मार्जिन पर नहीं। जहाँ पर आप देखते हैं अक्सर जो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं वहाँ पर यह दिखता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए जो ओशनिक ट्रेंचेज हैं उसके भी बारे में कौन सा सही, 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3 तीनों। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए आप भी, राइट आंसर इज ए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें भी वही देखना है आपको, एक दिया है कि एटाल, एटाल आप जानते होंगे प्रवाल भित्ति का ही एक नाम है। ठीक, एटाल प्रवाल निर्मित एक वृत्ताकार रीफ होता है, कोरल रीफ जैसा है। ठीक, तो एटाल जो है प्रवाल निर्मित एक वृत्ताकार रीफ होता है। नेक्स्ट है एटाल, इस तरह से बात किया जा रहा है कि ये आपका एटाल हो गया वृत्ताकार। ठीक, यदि किसी प्रवाल भित्ति या सागरी तट के बीच में गहरी झील हो तो उसे बैरियर रीफ कहते हैं, यानी मान लीजिए आपका सागर तट हो गया, इसके बीच कोई झील है और यहाँ पर आपका प्रवाल हो, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, प्रवाल बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सागरी यदि सागरी तटी सागरी तट जो है आपका तटा हुआ सटा हुआ हो कोई प्रवाल भित्ति उससे, तो उसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग रीफ कहेंगे, यानी कि सागर तट सपोज दैट ये हो गया और इससे तटी हुई कोई प्रवाल भित्ति हो।
नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियाँ ब्राज़ील के पूर्वी तट पे नहीं पाई जाती हैं। ठीक, प्रश्न ये कह यहाँ पे कूट ये बनाया है कि प्रवाल भित्तियाँ जो हैं, ये आपका जो ये ब्राज़ील वाला छोर है, यानी कि ये वाला, यहाँ पे ब्राज़ील का ईस्ट ये हो जाएगा। ठीक, ईस्ट ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि इसके इस पार्ट में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, खुद कह रहा है कि प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पाई जाती हैं। आइए अब आंसर देख लेते हैं। एक तीन, एक दो तीन सही है, या फिर यहाँ पे एक दो चार है, एक दो तीन, या एक दो तीन चार। ठीक, यहाँ पे केवल एक तीन है, ये जो यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सही हम लोग देखते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पाँचवें का जो हम लोग देख रहे हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। पाँचवें का यहाँ पे सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि एक एक करके कौन कौन सा सही है। एटाल जो प्रवाल निर्मित होता है वृत्ताकार रीफ, जो हमने बताया भी आपको, किसी प्रवाल भित्त में सागरी तट के बीच अगर और प्रवाल भित्त के बीच कोई झील दिख जाए, तो उसके जो बाद जो रीफ होती है उसे क्या कहते हैं, बैरियर रीफ कहते हैं। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ। यदि सागरी तट से सटा हुआ कोई प्रवाल हो तो उसे फ्रीजिंग रीफ कहते हैं, ये भी राइट है। नेक्स्ट आते हैं कोरल रीफ, जो कोरल फार्मेशन है वो ब्राज़ील के तटों पे नहीं पाई जाती, पाई जाती है। ब्राज़ील के जो तट हैं पूर्वी तट, वहाँ पे भी आपका ये कोरल रीफ पाई जाती है, यानी जो प्रवाल भित्तियाँ वो पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ की जो औसत गहराई है वो कितनी होती है, यानी महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है। सिक्स वाले का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, 250 फैदम या फैटम जो लिखा है, फैदम समझिएगा, 200 फैदम, 150 फैदम या 100 फैदम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ का, तो ये आपका 100 फैदम के आसपास होती है। ठीक, किसी किसी बुक में आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होगा, तो ध्यान रखिएगा उसको। और अगर आपको कोई बुक आपके पास हो तो उसमें कुछ और दिया हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ की 100 के आसपास होती है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो ट्रेंचेज हैं और महासागर हैं। ठीक, सबसे पहले एक तरफ देखिए यहाँ पे टोंगा या एल्ड्रिच है, एल्यूशियन है, पोर्टोरिको या नेरीर है, या सुंडा है। महासागर में दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक। तो सबसे पहला जो फेमस है आपका सुंडा, सुंडा जो जलसंधि है और सुंडा गर्त है। सुंडा कहाँ पे है, जावा और सुमात्रा के पास पड़ता है। तो ये आपका जावा और सुमात्रा किस महासागर में है, हिंद महासागर यानी दक्षिणी हिंद महासागर में आ जाएंगे। ठीक, तो एक तो आपका मिल गया डी का वन, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये कहीं में आपका सब सही हो जाएगा, लेकिन हमको ये जानना है कि सभी का मिलान किससे हुआ है। ठीक, एल्यूशियन जो आसान वाला है, एल्यूशियन अगर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर का है, तो एल्यूशियन का सी हो गया, यानी बी का थर्ड। तो यहाँ पे एक और मिल गया बी का थर्ड, डी का वन मिल गया। ठीक, वैसे तो एक ही से ये काम चल जाएगा, लेकिन हमको चारों देखना है। अब नेक्स्ट आते हैं पोर्टो रिको, ठीक, या टोंगा गर्त आप देख लीजिए। तो टोंगा में आपका एल्यूशियन का क्या हो जाएगा, एल्यूशियन का उत्तरी प्रशांत हो गया, यानी बी का थर्ड। अब आते हैं पोर्टो रिको, यानी सी, सी का कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट आते हैं टोंगा गर्त, टोंगा का आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वाला देख लीजिए, एक तरफ भू आकृतियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ आपका महासागर का नाम है। ठीक, तो ये एक तरफ भू आकृतियाँ, आठवां क्वेश्चन है, दूसरी तरफ महासागर का नाम दिया है, इसको आपको यहाँ पे देखना है। तो एक है एम्स्टर्डम या पाल प्लेटू, चैलेंजर राइज, डॉल्फिन राइज या बालविस कटक। तो कटकों का नाम ही ज़्यादातर यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि दो जो फेमस है, चैलेंजर कटक और डॉल्फिन कटक। तो चैलेंजर कहाँ पे है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन यहाँ पे, सॉरी, ये वाला चैलेंजर कटक जो आप यहाँ पे देखते हैं, यस शेप का जो आपका अटलांटिक हो जाता है। ठीक, अटलांटिक महासागर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चलिए मैप थोड़ा सा यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहे हैं।
ये हो गया, और इधर आपका ये अफ्रीका महाद्वीप वाला पार्ट आ गया। ठीक, अब इसमें ये वाला एक नॉर्थ और एक साउथ दोनों, जो चैलेंजर अभियान था 1872 में चालू किया गया था, जिसने आपका ये लवण यानी समुद्री जो नमक है उसके बारे में यहाँ पे बताया था इन्होंने, डिटमार महोदय ने जो है लवणों का वर्गीकरण किया था, जो आपका समुद्री लवण होते हैं, समुद्री साल्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए चैलेंजर राइज, चैलेंजर कटक, ये आपका, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये एम्स्टर्डम सेंट पाल, ये आपका ये किस में पड़ता है, जो हिंद महासागर में है उसमें सुकुत्रा चागोस है, 90 डिग्री ईस्ट कटक है, और एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक है, तो ये आपका किस में है, हिंद महासागर में आता है। ठीक, उसके बाद आते हैं चैलेंजर राइज, चैलेंजर कटक जो है ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में आ जाता है। डॉल्फिन राइज यानी कि डॉल्फिन जो कटक है, डॉल्फिन उत्थान है, ये कहाँ पे आपका आता है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है, ठीक पाया जाता है। और बालविस कटक ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक, नेक्स्ट आया जाए यहाँ पे, किस सागर की लवणता सबसे अधिक होती है, तो किस सागर की लवणता, काला, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक, तो जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लवणता आपका यहाँ पे लाल सागर में, लाल सागर में लवणता इसलिए होती है क्योंकि बाल्टिक सागर, काला सागर, भूमध्य सागर सभी में लगभग आपका नदियों का प्रवाह ज़्यादा होता है, यानी नदियाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जल गिराती हैं, लेकिन लाल सागर में उतनी नदियाँ नहीं है, बल्कि ये आपका द्रोणी के रूप में एक है। ठीक, ये पूछा भी गया है कि लाल सागर क्या है, एक द्रोणी के रूप में लाल सागर है, रेड सी है। नेक्स्ट आते हैं, किस झील की लवणता सबसे अधिक होती है, बालकस झील, मृत सागर, बांध झील या सांबर झील, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लवणता किसकी, आपका वान झील की, 330 पर मिल के आसपास है। नेक्स्ट है, महासागरों में लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसमें जो थल है या सागरीय जीव है या उल्का है या ज्वालामुखी है, तो जो सागरों में लवणता सबसे ज़्यादा है वो आपका स्थल भागों से होती है। ठीक, नेक्स्ट है, महासागरों में सबसे अधिक लवणता निम्न में से किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है, विषुवत रेखा या 10 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक, किस में पाई जाती है ये आपका, तो ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास यहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक लवणता, जो तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, 12 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, 20 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट आते हैं 13 का, महासागरों का जो औसत तापमान है 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, महासागरों की निचली सतह का तापमान 2 डिग्री से अधिक होता है, माँ भूमध्य सागर की निचली सतह का तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और लाल सागर की जो निचली सतह है यानी निचली बॉटम का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा, इसमें 1, 2, 3, 4 सभी आंसर सही हैं, क्योंकि महासागरों का जो औसत टेम्परेचर होता है, तो महासागरों का जो औसत टेम्परेचर वो 13 के आसपास होता है, इसमें सभी ये आंसर सही हैं। ठीक, तो सभी अगर आपको याद हो सकता है कि क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछ दे, क्योंकि आपका जो सिलेबस उसमें पूरा ये सिलेबस में मेंशन है, तापमान की लवणता है, सॉरी महासागरों का तापमान, लवणता, धाराएँ सब इसमें हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सही नहीं है, डिएगो गार्सिया जो द्वीप है उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है, नेक्स्ट है सेशेल्स, सेशेल्स चागोस, ये दक्षिणी महासागर में है, दक्षिणी हिंद में। ठीक, नेक्स्ट है मॉरिशस, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है, सुकुत्रा द्वीप, सुकुत्रा चागोस जो है, सुकुत्रा द्वीप जो है उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेशेल्स जो द्वीप है ये दक्षिणी महासागर में स्थित है, ये आपका गलत है, बल्कि ये आपका उत्तरी के आसपास, यहाँ पे जो रेड सी आ जाता है इसके नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पे आपके आसपास है। ठीक, डिएगो गार्सिया ये आपका उत्तरी हिंद महासागर में, ये भी राइट है, मॉरिशस के, मॉरिशस जो मेडागास्कर के पूर्व में ही है, ये जो बड़ा सा है इसके बाद यहाँ पे ही है ईस्ट में। नेक्स्ट आते हैं कि सुकुत्रा द्वीप जो है ये आपका उत्तरी हिंद महासागर में है, ये भी आपका टेम्परेचर, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का,
सेकेंड होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 15, सबसे अधिक औसत वार्षिक तापांतर कहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए सबसे अधिक औसत वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है न्यूफाउंडलैंड, फारस की खाड़ी, लाल सागर और पीत सागर यानी पीला सागर यानी येलो सी। तो जो वार्षिक टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देखा जाता है या न्यूफाउंडलैंड के पास देखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल फर्स्ट पेपर भी और ज्योग्राफी भी आपको अवेलेबल है और पूरा सिलेबस वहाँ पे कराया गया है। तो वहाँ पे आपको ढेर सारे एजुकेटर मिल जाएंगे जो ज्योग्राफी के प्लस कोर्स वहाँ पर लाइव कोर्सेज चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप रेफरल कोड अगर यूज करेंगे यहाँ पे ये, तो आपको 10% का जो टोटल फ़ीस है उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा फ़ीस इसकी नहीं है, 6 मंथ की फ़ीस ऑलमोस्ट आपको 6 to 7,000 के आसपास है। ठीक, और उसमें भी या 8,000 के जो भी हो, 8 से ज़्यादा नहीं फ़ीस है, तो आप ये रेफरल कोड वहाँ पर यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का जो भी वीडियो है या क्वेश्चन है जो उसमें जो भी आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन, आप कमेंट में बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।